और आपकी भावनात्मक जो आत्मा का उजागर हुआ उसे इतनी बड़ी तादाद में पूरे क्षेत्र के सरदारी यहाँ पर उपस्थित है। हम सबकी तरफ से आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मुझे अभी आदेश दिया गया है कि टिकट वितरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये स्थिति स्पष्ट करें। आदरणीय बंधुओं, टिकट का चुनाव की बिगुल बज चुकी थी और पार्टी की तरफ से चाहे वो आक्रोश रैली हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, हम सभी कार्यकर्ता आपके बीच में से ही 18-20 जो आपके ही बीच में से है वो हम सब ताकत के साथ आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आप सबसे निवेदन करते हुए और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पूरा धन मन से, धन से, हर तरह से आप सबके पास निवेदन किया और जो भी आने वाले हमारे प्रदेश और केंद्र से जो नेतागण से उनको सबको सम्मानित किया गया और आप अपनी भावनाओं से अवगत कराए। अब टिकट का सिलसिला शुरू हुआ कई एंगलों पर आधार पर और ये मंथन होते होते और आप सबको ये मालूम है लास्ट स्टेज पर पहले नाम सब और छटनी हुई, फिर प्रदेश से हुई, फिर दो तीन नाम हुए, फिर पहले 5-7 थे, फिर 10 हुए, 10 में से फिर 2 हुए आखिरी में। ये सब जानते हैं कंप्यूटर कभी खत्म नहीं होगा। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो बेचुनाव के बाद में वो नेता लोग कंप्यूटर भी आपको दिखा देंगे, अभी तो नहीं दिखाएंगे। उस कंप्यूटर में आपके इस सेवक का नाम तय हो गया था। सिंगल पैनल पे सारे मीडिया चैनल आप सब जानते हैं। 39 टिकट जो जिनका सिंगल पैनल तैयार होकर प्रदेश समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने मोहर लगा दी थी और लॉक कर दिया गया था, ये सारे मीडिया चैनल वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी से भी काफी लोग जानते हैं। उसके बाद कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी, एक दूसरे हम प्रयास सब कर रहे थे क्योंकि जब तक आउट नहीं हो तब तक सब हर आदमी को भरोसा रहता है पर हो सकता है मुझे ही मिल जाए, हो सकता है मेरा ही नाम कंप्यूटर हो। तो सबने हमने बहुत ही शालीनता से ना एक दूसरे के खिलाफ हमने कोई बात की, आपस में हम सब मिलजुल कर और एक दूसरे अपना प्रयास करते रहे। लेकिन आश्चर्य की बात है एकदम पार्टी ने रातों रात में कल या परसों में एक ऐसा बम गैरजी डाल दिया जिससे पूरा क्षेत्र स्तंभ रह गए, अचंभित रह गए और हम सब भी अचंभित रह गए। हालांकि इतना भारी दुख हुआ, पहाड़ टूट रहा है, अब आपने आदेश दिया है तो बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बोलने की तो हिम्मत तो है नहीं। इतना बुरा काम किया ये, अब बालकनाथ जी हमारे श्रेष्ठ पूजनीय भी है, महंत है, मैं इसके कोई व्यक्तिगत कारणों में नहीं जाना चाहता, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ। 2 महीने पहले ये मेरे भाई की मृत्यु की बैठक में, स्वर्गवास की बैठक में आए थे और मुझे कहा कि तुम परसों दिल्ली आ जाना। मैं उनके आदेश पर दिल्ली गया, उनके निवास पर संसद चल रही थी, 3 बजे महाराज जी आए, उसमें और भी कई गवाह है, और महाराज जी ने यह कहा मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तेरी टिकट की पैरवी कर रहा हूँ भाई, मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ूंगा और मैं लोकसभा लड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि जीतने वाला जो जनता चाह रही, जनता का सर्वे हो, उसमें मदद करूंगा। तो मैंने फीडबैक लिया है कि आपका जनता में ठीक है और इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आपको टिकट और आपकी पूरी सहायता करूँगा। ये महाराज जी ने 2 महीने पहले मुझे आश्वस्त किया। उसके बाद जब जब भी महाराज जी संपर्क हुआ, बल्कि महाराज जी आशीर्वाद बोले फूल आशीर्वाद है। आज से 4-5 दिन पहले भी आदरणीय भूपेंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री है,
उनके बंगले पर महाराज जी मिले, तो मैंने फिर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आशीर्वाद। बोला भाई बामन सिंह तू चिंता क्यों कर रहा है, फुल आशीर्वाद, तू दिल्ली क्यों घूम रहा है, तू जाकर के क्षेत्र में और अपना प्रचार कर। मैंने कहा महाराज जी जब तक टिकट आउट नहीं हो जाती, पता नहीं किसका भाग जीता है, हम भाइयों में किसको मिल जाए, तब तक मैं क्षेत्र में ऐसे प्रचार में जाऊंगा तो आप लोग कहोगे भाई इन्होंने तो आउट कर दिया। अब ये यहाँ तक बात थी। और केंद्रीय समिति की जो चुनाव प्रक्रिया होने पूरी होने के बाद जब सिंबलों पर फाइनल पोर लग गई, उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह में बड़े बड़े नेताओं से जो उस कमेटी में बैठते हैं, चाहे आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हो, चाहे महेंद्र बालकनाथ जी ने कहा था, और आदरणीय भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री है, अर्जुन जी मेघवाल जी ने तो मुझे मिश्री और दी थी अपने हाथ सबके सामने, ये मिश्री ले जा, तेरे को प्रसाद दे जा, तेरे चुनाव में नामांकन मुझे जरूर बुलाना और नामांकन की डेट मेरे से पूछ के रखना, क्यों कहीं बीकानेर में अगर और कहीं फिक्स हो गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे से पूछ के रखना। सुधा जी जो मेंबर उसकी है संसदीय बोर्ड की, उन्होंने फोन करके 11 बजे मीटिंग के 11:15 बजे उन्होंने वोट करा दिया। और अगर कोई ऊपर के मन से कोई नहीं कहे प्रत्याशी जो भी टिकट मांग रहे थे, तो उसका तो मेरे पास इलाज नहीं, कि सबके अंतरात्मा में बैठी हुई थी कि टिकट फाइनल हो गई। अब पता नहीं किस कारण से इस बात से हम भी अनभिज्ञ हुए, एकदम रात को रात में 2 दिन पहले घोड़ा पड़ा और कल एकदम अचम। और ये कह रहे थे कि श्राद्ध पक्ष में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक पार्टी है, टिकट आउट नहीं करेंगे और 15 या 16 करेंगे, लेकिन अचानक एकदम और वो घोषणा कर दी और उसमें महंत बाबा बालकनाथ जी यहाँ से ना, तो अब आप बताइए, हम एकदम हस्तप्रत रह गए, हमारे काटो तो खून नहीं, और सभी चिंतित थे। अब जिनकी चाहे उसका नंबर था या नहीं था, सभी प्रत्याशी चिंतित थे। आपने देखा होगा 2013 में आपने बहुत ही ताकत के साथ मुझे आशीर्वाद दिया, 5 साल तक आप सबकी सेवा में हाजिर रहा, तन मन धन अपना लोछावर किया, 1 रुपए का मेरे ऊपर कोई दाग है तो मैं राजी संन्यास लेकर मैं संन्यास ले लूंगा, और किसी का अपमान, सबका मान सम्मान और जनता के सेवक के रूप में काम किया, मैंने कभी अपने आप को तर्रेदार विधायक नहीं समझा। उसके बावजूद भी पार्टी ने किसी कारणवश टिकट काट दी और अपने स्थानीय व्यक्ति को ही दे दी, भिवाड़ी संदीप दायबा को। आप सबने उस समय, मैंने कोई पार्टी खिलाफ ना चुनाव लड़ा और ना कोई दखलबाजी की, आप लोगों ने अपनी पंचायत करके क्या निर्णय हुआ, जनता का अपना स्वतंत्रता है किसके साथ जाए किसके नहीं जाए, किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा वोट दो या मत दो, और मैं आप सबकी आज्ञा के आपकी भावनाओं को देखते हुए कि मैं यहाँ से और चुनाव नहीं लड़ा, और अपना कुर्बानी जो मेरी हुई, मेरी जो हत्या हुई और मेरे जो सर काटने तक का काम किया, मैं शहर उसको स्वीकार करके और यहाँ जाकर और अलवर में मैं चला गया और ग्रामीण में जो हमारे गांव का मेघवाल रामकृष्ण लड़ रहा है उसकी मदद में जुट गया, सबर किया। अब मैंने सोचा अब चलो सबर का फल मीठा होता है, लेकिन अब जन जन की आप सबकी पुकार चल रही थी, आप सबकी भावनाएं, सर्वे की टीम सबको पता है, सर्वे 1 नंबर पे सर्वे चल रहा था, बहुत ही नंबर भी क्या बहुत ऊपर था, ये सारी पार्टी के हाईकमान को पता है। उसके बावजूद मेरे को सूचना दे दी गई आप क्षेत्र में जाइए, आपका मोहर लगेंगे और आप जनता के बीच जाकर अपना वर्क कीजिए। फिर भी मैंने कहा आउट कर लूंगा जब उस समय जाऊंगा, और मैं दिल्ली में था, एकदम अचानक घोड़ा पड़ गया। अब इस तरह की जो भावना पार्टी ने जो की है वो आपके सामने मैं अवगत करा रहा हूँ। आप बताइए, बाबा बालकनाथ ये बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े मठ के मालिक है, अरबों की उसके पास संपत्ति है, हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब उसा वो कहीं से और से पैरोल से भी लड़ सकते थे, या हमें पहले बताते और धोखे में करके हम 20 थे 22 थे 18 थे सबको हमारे इतने रुपए लुटवा दिए
जगह जगह हमने कई सबने भंडारा किया, आप सबके पैर पकड़े, आप सबको ले गए, महिलाओं को भी स्वागत के लिए आक्रोश रैली में भी या परिवर्तन यात्रा में भी, और सबके पोस्टर बैनर। शुरू में हमसे कहते थे भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, हम सरकार कहते भाई महाराज चल तू लड़। अब सवाल चुनाव लड़ने का, लेकिन महाराज ने ये नहीं सोचा। अब ये महाराज मैं इसलिए आप लोगों को निवेदन करने के लिए बुलाया है, देखो मैं तो कोई लालच नहीं, मुझे 5 साल आपने रखा, 1 रुपए का मैंने कोई कहीं भी कोई अलर्ट बना लिया हो तो मेरे नजदीकी आदमी जानते हैं, पिछले 5-6 महीने पहले लड़की की शादी की, उस समय भी दादा लाए की जमीन बेच थी, उसके बावजूद भी पूरी जनता का प्यार मुझे मिला। और कहीं कोई किसी तरह की कहीं कोई घटना बताओ, किसी व्यक्ति का अपमान किया हो, किसी का बुरा किया हो, तो भी आप बता सकते हो। इसके साथ साथ 24 घंटा आपकी सेवा में समर्पित रहा, इतनी मेरी गलती रही कि भाई मैं जनता के अंदर रहता रहा जनसेवक के रूप में, मैं जाकर के ज्यादा नेताओं के हाल नहीं चलम जीरो, मेरे पास पैसे थे नहीं। अभी धन बल का भी युग है तो हमें सबको सोच समझ के फैसला लेना है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आपके बीच का हूँ, आप सब जानते हो, पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आगे आप सब सोच करके इस तरह की सब ये जो कदम जो उठाना पड़ा है, ऐसा नहीं है मैं कोई विधायक ही कदम उठाया है और आप लोगों को बुलाया है, सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तो उम्र दराज हूँ और ये चुनाव मान लो तुमके आदेश आपका हुआ तो ये लड़ सकता हूँ। अगर ये कदम अगर ये बाबा जी यहाँ जीत के चला गया तो 40 साल तक आपके तिजारा कोई पीढ़ी नहीं बन पाएगी। ये युवा जो हमारे कहाँ जाएंगे, ये 40 क्योंकि 32-33 साल उम्र है इसकी, हमारे तो 65-66 हो गई। अगर चुनाव आपको आदेश आपका हुआ तो ये चुनाव है, उसके बाद हमारे नौजवान साथी है। कभी मैंने किसी को अपने कार्यकर्ता को नौजवानों को कभी मैं रोकने काम नहीं किया, न किसी को ये आज तक कहा, कोई भी जो भी टिकट मांग रहे थे कह सकता है कि आप मैंने किसी को फुसाया हो या उसका विरोध किया हो या ये कहा हो टिकट मत मांगिए, जनता है आप मांग सकते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ो, आप सब मिल करके जिसका भी छटके आएगा वो करेंगे। तो अगर ये जनता के तिजारा के मान सम्मान के लिए, तिजारा के भविष्य के लिए, तिजारा की युवा पीढ़ी को आगे इनका जीवन जो मरने जा रहा है, तिजारा की युवा पीढ़ी आगे उनका भविष्य खत्म होने जा रहा है, 30-40 साल तक बाबा जी 32 का है, 70 तक तो पार्टियां लड़ा देती है, भैया 40 साल तक कोई नाम लेवा नहीं होगा अगर ये बाबा जी यहां फंस गए। इसलिए मतभेदों को भूल कर, जातिवाद को भूल कर, अपना पराया को भूल कर, सबको एकजुट होकर ये फैसला लेना होगा। नहीं लोगे, मैं बुजुर्गों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि हालिमा वाली सरदारी बैठी है, अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया और बाबा जी सूखा और बिना यहां से मात खाए निकल गया तो ये आपको आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि किसी का भी नंबर नहीं है। अगर ये फैसला बैरंग जाता है ये बाबा जी तो आगे कभी किसी का सभी का सेवा करने का मौका मिलेगा, आपका अपना स्थानीय आदमी, आपका अपना बीच का आदमी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे 18-20 टिकट मांग रहे थे, चाहे कोई 500 वोट वाला दिख रहा हो, चाहे वो बिल्कुल भी MPS या मंडल स्तर का आदमी हो जिसकी कोई 2-4 1-2 गांव में हो, अगर उसको भी टिकट मिलती तो आप चाहे कितना भी मेरे जैसे भीड़ आई थी रात को, आपको चुनाव लड़ना है, मैं आपके चरणों में पकड़कर और आपसे ये माफी मांगता कि मैं कोई भी हमारे इनमें से अगर टिकट मिलेगी तो मैं नहीं लड़ता और ना मैं आपसे ये पंचायत बुलाता, उनके साथ था। ये मेरी अंतर की भावना है। अब मेरा एक आपसे एक विनम्र निवेदन है, मैंने स्थिति आपसे स्पष्ट कर दी कि आप देखो भाई मैं साफ सुथरी बात करता हूं, मैं अंदर नहीं रखता हूं, आज तक मैंने झूठ भी नहीं बोली है, सच्चा सीधा आदमी हूं। और वो सच्चा सीधा को बाबा जी बहरोड़ में क्यों लड़े,
क्योंकि बैरोड में जूत कर रहे वहां तो जूत से डरे। अब यहाँ तिजारा के लोगों को ये समझता है तिजारा के लोग तो ऐसे ही बावड़ा है, कभी नवाब लुहारून बढ़ा दे कभी और कहीं ने बढ़ा दे। तो ये इस तरह की जो भावना उनके दिमाग में बैठी है, अब हमारे कुछ लोगों ने बैठा भी दी होगी उनको, तो ये सब मिलकर के इसमें अब जहां टिकट की बात है 62 में हरिराम चौहान को जिताया आपने बिना टिकट के, क्या टिकट थी कांग्रेस को, टिकट नहीं होती छोटी पार्टी। उसके बाद आपने रतनराम को जिताया 71 में 72 में कांग्रेस पार्टी ने कोई टिकट थी का, टिकट तो दो ही है कांग्रेस और बीजेपी और तीसरी है बसपा अब चली है जब कुछ समझ नहीं थी। उसके बाद सम्मानित स्वर्गीय मेरे गुरु जी जगमाल सिंह यादव को आपने 3 बार जिताया, कहीं ना कभी लाल टेंट से तो कभी हल से, वो भी कोई छोटी सी छोटी छोटी पार्टी है जान जाता वो महत्वपूर्ण नहीं। 3 बार आपने आशीर्वाद दिया और उसके बाद पिछली बार संदीप को जिता दिया आपने बिना टिकट कही। तो ये टिकट ये बीजेपी की आप बताओ टिकट टिकट, मैं कई बार गांव में जाता था तो मैं कहता भी था, लोग कहते हैं भाई टिकट लिया फिर घर बैठो जीत जाओ घर बैठती तो मत ही हम लड़ने लगता, मैं कहता भाई टिकट तो पहले घनायन मिल रही दुर्गमगढ़ बीजेपी की तो टिकट तो एक ही बार जीती 13 में 15 बार में 14 बार टिकट हारिए यहाँ बीजेपी की 14 बार कोई नई बात नहीं है, जनता की ताकत इतनी बड़ी है कि 14 बार हारिए यहाँ पर बीजेपी चाहे वो जनसंघ पार्टी थी चाहे भारतीय जनता पार्टी थी टिकट वो जीतती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो जिसको जनता चाहती है जिसका जनता में प्रेम है जिसको जनता की भावना जुड़ी हुई है। तो ये टिकट का बात है। अब मैं अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहा हूं। तिजारा की अगर आपको ये लगे कि मान मर्यादा खत्म हो रही है तिजारा का भविष्य में गर्त में जा रहा है और तिजारा क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ रहा है तिजारा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ऊपर के नेताओं ने और महाराज जी ने जानबूझ के तिजारा के में बर्बाद करने का काम किया है और 5 साल से आप देख भी रहे होंगे उनका कोई ऐसा उत्थान का काम भी नहीं दिख रहा तिजारा। तो आपसे मेरी विनती है धोखे में तो किसी को रखना मत, एक विश्वास आत्मा के साथ ताकत से धन मन और धन से आपको साथ देने का काम करे तभी फैसला ले और नहीं तो जय बोल के अपने घर चले जाए जो भी बनेगा जो बन जाएगा। सब सच्ची आत्मा से क्योंकि मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाह रहा हूं कि बाबा जी के सामने हम कीड़ी मकोड़ी है, बाबा जी धन्ना सेठ है उसके कुबेर है, वो कुबेर खुद का घर का नहीं है जनता के पैसे चढ़ावा के है वहां मठ में अबोर में वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं वो धन बल का प्रयोग करेगा हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा और आज हम भावना में हैं और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपनाने उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको कल से केंद्रीय नेताओं के और भी एक बहुत बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए आप आ जाइए आपको हम कोई बेनिफिट देंगे आपको हम व्यवस्था वो एडजस्ट करेंगे ये करेंगे ऐसा मत करो थोड़ी भावना मत बहो बोले इस तरह का। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया मैंने आपने खूब सबके पैर पकड़ लिए आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया अब तो जनता में जाऊंगा जो जनता का फैसला होगा वो शर्माते होगा जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बात से रुकूंगा नहीं और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो अबोर में जाऊंगा। राष्ट्र मामा जी गुरुजी आप संघर्ष करो और एक बात और कहना चाहूंगा भाई वोट को पार्टियां छोड़ी रहे वोट कहां से लाएगा आप सब गांव के नौजवान भी और सरदारी सब विराजमान हो यार ऐसा कोई गांव नहीं भिवाड़ी से लगा कर वोट लगा कर
तो आप अपने गांव में तुम्हें पंचायत करके तय करना होगा कि पेटी में कमल का फूल पे ये अग्नि बटन बाबा जी का लंगोट नहीं पड़े। जब ये तय करोगा तब तो बात कुछ बैठेगी। और जब निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, कई कहते हैं भाई कांग्रेस के पास वो जो ये है इधर ये 80,000 है। अरे 80,000 कांग्रेस के हैं तो हमारे पास कितना है? 2,60,000 वोट हो गया। आपको भ्रम रह रहे हो ना, 1,80,000 आप हम सब हैं जो 80,000 बराबर 1,00,000 जाता है उन कांग्रेस से। वह अगर एक जगह भी जाए तो हम तो उनसे जाता है 1,00,000। अगर बाबा 2-4,000 ले भी जाए, एक एक वोट एक पोलिंग दे देना उसको, वो भी महात्मा की जो भेख है उसके नाम पे पूजा का, भाई हमारा महात्मा। बाकी अगर पोलिंग पे 999 वोट पड़े तो 999 एक भी ये आपको भे करना होगा। और अंत में भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब बोलने ले तो दिन उबल रो है बोले भी नहीं जा रहा तो, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि भावना कैसे होता है। जाओ जाओ जाओ, आप सबसे एक विनती है। देखो मैं पहले धरती बेच चुका, शादी वादी में बिक रही, भाई देखा दो बीघा बच रही इन बाढ़ का भी है, सो तो कर्म अधियोग कर देखो तो दो सच्चे मन से दियो और आपकी सेवा जीऊंगा इतना आपकी सेवा। आमन सिंह, आमन सिंह, आमन सिंह, ये चुनाव आपने, मेरा चुनाव नहीं होगा अगर आप मुझे लड़ाते हो, तो मैं ये फैसला नहीं दे रहा। अगर आप मुझे लड़ाते हो चुनाव तो ये आप सबको अपने तन मन धन और अपने सब अपने साधन साधनों से आपको लड़ना होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बता देना और नहीं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के और मैं तो यहाँ से तिजारा छोड़कर, क्योंकि तिजारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो मैं अपने कहीं और लड़ने लग जाऊंगा।